नमस्कार, मैं रविश कुमार। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, ऐसा कह देने से राजनीतिक दल आतंकवाद या दंगाइयों को सिर्फ कानून के चश्मे से देखते होंगे, सियासत के चश्मे से नहीं कोई जरूरी नहीं। उनकी चुप्पी, समर्थन, विरोध सब रंग को लेकर ही है। सियासत की बदलती रंगत के साथ आतंकवाद का चोला बदल दिया जाता है। माया कोडनानी को तो आप जानते ही होंगे, गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री, 2002 के दंगों में आरोपी होने के बाद भी दो दो बार बीजेपी से टिकट, आरएसएस की महिला शाखा की सदस्य वगैरह वगैरह। 31 अगस्त 2012 को ट्रायल कोर्ट ने दंगा भड़काने, भीड़ को हत्या के लिए उकसाने के आरोपों को सही मानते हुए माया को 28 साल की सजा सुनाई थी। इन पर नरोडा पाटिया नरोडा ग्राम में 98-90 से भी ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या में शामिल होने का आरोप सही पाया गया था। माया कोडनानी के साथ एक और शख्स था, बाबू भाई राजा भाई पटेल, जो बजरंग दल का अध्यक्ष था। बाद में बाबू बजरंगी विश्व हिंदू परिषद छोड़कर शिवसेना में चला गया। अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर गुजरात सरकार ने 3 वकीलों का पैनल बनाकर इन सब के लिए फांसी की सजा की मांग कर दी। बाद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ऐसा चाहती है तो हमने हामी भरी है। सरकार अपनी तटस्थता दिखाना चाहती थी। अब सरकार कहती है कि फांसी की मांग वाली फाइल फिलहाल रोकी जा रही है, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की राय चाहिए। क्या सरकार पीछे हट रही है? माया की फांसी से हिंदुत्व की छवि को धक्का लग सकता है। आज ये मसला इसलिए उठा क्योंकि गुजरात सरकार ने माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और 8 अन्य लोगों के लिए मौत की सजा के मांग करने के अपने फैसले को रोक लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी इन सब के लिए फांसी चाहती है, इसीलिए पहले गुजरात सरकार ने हामी भरी थी। सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए रोका गया है क्योंकि हम राज्य के महाधिवक्ता से राय लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 2009 में गुजरात सरकार ने ही कोर्ट में हलफनामा दिया था कि माया कोडनानी ने भीड़ को उकसाया, हथियार बांटे, जिनसे नरोदा में दंगा हुआ और 90 से अधिक लोगों की मौत हुई। अब यह कहा जा रहा है कि गुजरात सरकार ने दक्षिणपंथी ताकतों के विरोध के कारण फांसी की अपील को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। सरकार को आज यह भी बताना था कि माया कोडनानी की 28 साल की उम्र कैद को फांसी में बदलने की राय देने से पहले महाधिवक्ता की राय ली गई थी या नहीं। तब क्यों सरकार ने 3 वकीलों का पैनल बनाकर एसआईटी की मांग को मंजूरी दी थी? पिछले साल इनके खिलाफ फैसला देते वक्त जस्टिस डीएच वाघेला ने कहा था कि कट्टर धर्मांध किसी धर्म के नहीं होते हैं, वे किसी आतंकवादी से कम नहीं होते हैं जो बिना कारण निर्दोष लोगों को मार देते हैं। अपने फैसले में जस्टिस वाघेला आगे कहते हैं कि हबीब मिर्जा जैसे कुछ गवाहों के बयान से पता चलता है कि इन दंगों के लिए पहले से योजना बनाई गई थी। जस्टिस वाघेला कहते हैं कि कट्टर धर्मांध किसी आतंकवादी से कम नहीं होता। शिवसेना के सांसद संजय राउत कहते हैं कि माया कोडनानी कोई आतंकवादी नहीं है, जैसे दंगाई देशभक्त होता हो। शिवसेना और बीजेपी सहयोगी हैं। बीजेपी ने नहीं कहा कि माया कोडनानी कोई आतंकवादी नहीं है। तब भी गुजरात सरकार या बीजेपी को बताना चाहिए था कि जब माया कोडनानी को सजा हुई तब वो क्यों अकेले क्यों सिसक रही थी? उनके साथ उस पार्टी के नेता क्यों नहीं थे जिसने उन्हें दो दो बार टिकट दिया? क्यों सरकार ने इनकी सजा के खिलाफ अपील नहीं की और फांसी की मांग कर दी? ब्रिटिश उच्चायुक्त जेम्स बेबन जब गुजरात गए, पिछले साल अक्टूबर की बात है, तब उन्होंने कहा था कि दंगों में शामिल कई लोगों को सजा हुई है, जिनमें गुजरात सरकार के एक मंत्री भी हैं। इसीलिए उन्हें लगा कि गुजरात के साथ दोबारा संबंध शुरू करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने भी इसे काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था कि 84 के दंगों में किसी को सजा नहीं हुई, ढंग के लोगों को, और यहां पर एक मंत्री को जेल भिजवा दिया। अब शिवसेना ने गुजरात सरकार के महाधिवक्ता की राय लेने के फैसले का स्वागत किया है। संजय राउत तो सामना में यह भी लिख जाते हैं और बीजेपी उफ तक नहीं करती है। संजय ने कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद लिखा है कि इस्लामी बम, ध्यान से सुनिए, इस्लामी बम के खिलाफ मोदी हिंदू बम की बात करेंगे ऐसा सबको लगा था, लेकिन कर्नाटक में मोदी सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष की तरह रहे। अगर अब सेक्युलर बने रहे तो इस हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदुओं का रहनुमा कौन? बीजेपी ने सेक्युलर होने का ढोंग किया, प्रचार में मोदी सेक्युलर बने, आखिर हाथ क्या लगा? संजय राउत की यह बात बीजेपी को क्यों बुरी नहीं लगी? इसीलिए कि वे सहयोगी हैं और सुशील कुमार शिंदे विरोधी दल के थे। इस्लामी बम और हिंदू बम क्या होता है? क्यों बीजेपी आहत नहीं हुई आतंकवाद के इन अलग अलग रंगों से?
क्या बीजेपी, गुजरात सरकार या नरेंद्र मोदी माया कोडनानी के बारे में अपनी कोई राय बदल रहे हैं। 18 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीबीसी के एक इंटरव्यू के हवाले से अपनी साइट पर एक खबर लिखी है जिसमें राजनाथ सिंह कहते हैं कि माया कोडनानी निर्दोष हैं और पार्टी उनकी हर संभव कानूनी मदद करेगी। तो ये सब तमाम संदर्भ हैं आपके सामने और सवाल भी हैं कि क्या दंगाई और आतंकवादी में फर्क किया जा सकता है। प्राइम टाइम हमारे साथ हैं पिंकी आनंद जी, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रेम शुक्ला साहब हैं, आप संपादक हैं दोपहर सामना के। सुरेंद्र जैन साहब हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। और शक्ति सिंह गोहिल हैं, आप नेता हैं गुजरात कांग्रेस के। मुकुल सिन्हा साहब, आप पीड़ितों के वकील हैं, आप नहीं मांग करते हैं कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन पहला सवाल मैं पिंकी जी के पास जाना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को फांसी की मांग करना उनके लिए हिंदू हितों पर हमला है। संजय राउत के लेख का जिक्र मैंने किया भी सामने में, जो उन्होंने लिखा है, आप भी ऐसा मानती हैं क्या? देखिए, आज की तारीख में जहां तक प्रक्रिया है जो चल रही है वो कानूनी प्रक्रिया की बात हो रही है। आप पॉलिटिकल उसमें जो भी अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। नहीं, मैंने अपना कुछ नहीं दिया, जो जिन लोगों ने कहा है वही रखा है। हाँ। नहीं, सही आप कह रहे हैं, आप दूसरे लोगों के जो भी कोटेशन है वो सामने रख रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मामला आज क्या है, एक सजा हुई है, एक सेशंस कोर्ट ने एक होल्ड किया है, कितनी सजा होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए, 31 साल होनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए। उसी सेशन जज की ये भी जजमेंट है कि डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए। उस जजमेंट के खिलाफ क्या करना चाहिए, मुद्दा आज की तारीख में एक तो ये है। और जहां तक उसका सवाल है, ये लाजमी बात है कि अगर कोई भी स्टेट अपील करने की सोचती है तो उसमें एडवोकेट जनरल का जो कंसेंट है, उनका जो ओपिनियन है, कंसेंट ही नहीं, सिर्फ जो ओपिनियन है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। एक दूसरा, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी अगर हम देखते हैं तो एसआईटी को जो जो पावर दिए गए हैं उसमें भी ये प्रक्रिया मानी गई है कि एडवोकेट जनरल का ओपिनियन और कंसेंट लेना जरूरी है। आज की डेट में जो मोदी जी की तरफ से या गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है यही है कि अभी उनका ओपिनियन ले ले, उसके बाद ही आगे निर्णय करें। तो इसमें अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है।